नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। और इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम आंसर की या पेपर सॉल्यूशन आप कह सकते हो। तो ये बेसिक वालों का मैथ्स बेसिक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके पेपर का सॉल्यूशन है, मॉर्निंग शिफ्ट का है और 241 आपका सब्जेक्ट कोड रहा है। तो पेपर को अपने पास रखेंगे, क्वेश्चन पेपर के साथ अपने आंसर्स को टिक करते चलेंगे। पार्ट ए में जो आपका MCQ क्वेश्चन थे तो अपने अपने ऑप्शंस पे टिक लगा लेंगे और देख लेंगे आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग ने क्या टिक किया है, किस तरह का पेपर आप लोगों का ये क्या है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को सॉल्यूशन होना था, कौन से न्यूमेरिकल का किस तरीके से, तो वो आप इस आंसर की के माध्यम से देख सकते हैं। शिक्षा प्रवाह पर बेटा पहली बार विजिट अगर आप कर रहे हैं तो शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह की अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर की मार्किंग स्कीम के लिए और बाकी CBSE अपडेट्स के लिए, जैसे डेट शीट आपका, सैंपल पेपर, रिजल्ट, ETC। सेक्शन सेकंड बेटा यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी MCQ है, लगभग पेपर आप लोगों का MCQ ही था मोस्ट ऑफ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 और अब आपका बेटा स्टार्ट हो रहा है पार्ट बी, और पार्ट बी में भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। और में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 किस तरह से आपको सॉल्व करना था आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन और इसके साथ जो विकल्प आपको दिया गया था, 25 आपको मिड पॉइंट निकालने थे तो किस तरह से आप लोगों ने मिड पॉइंट निकालना था वो आप लोगों को बताया गया है। डिस्टेंस वाला आपसे पूछा गया था इसके ऑप्शन में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इन्होंने सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन के आंसर को, सम्स को 26, 27। पेपर तो आप लोगों का बेटा मुझे इजी लग रहा है, और बाकी आप लोग बताएंगे कैसा करके आए हैं। पार्ट सी आपका स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ये भी डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30। का डायग्राम तो बेटा ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन, आशा करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
बेल आइकन को ऑल पर सेट रखना है जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए।